गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और एक तरफ गर्म पानी और एक तरफ चाय मेरा रखा हुआ है। तो फाइनली मैं गणपति जी का मतलब दर्शन करके आ गई। और क्या करे यार, तबीयत भी मेरा 2-3 दिन से ठीक नहीं था तो वीडियो भी मैंने ही शूट की। मैंने चलो आज कम से कम गणपति जी का दर्शन कर ही ले रहे हैं, क्योंकि दवा खाया ना सुबह से तो थोड़ा अभी बेटर फील कर रही हूँ और गई गणपति जी का दर्शन की। लेकिन यार पहले वाला रौनक ही नहीं है बिल्कुल, जो पिछले साल में इतना एंजॉय किया था। मतलब आदमी कितना बहुत कुछ हुआ था, फंक्शन वगैरह भी हुए थे, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं है। मंदिर में एक गणपति जी बैठा दिए गए हैं और बस, और भीड़ भाड़ तो होना नहीं है बिल्कुल नहीं। तो एक एक को थोड़ा मतलब एक एक इंसान जा रहा है और ऐसे इस टाइप में दर्शन करके और बस आ जा रहा है। भीड़ तो बिल्कुल नहीं है, पहले जैसा नहीं है। अब कर भी क्या सकते हैं यार, समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा। तो आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ, रात में हमारे यहाँ बनने जा रहा है चाट। जो काबली चना वाला चाट होता है ना, वो मैं बना रही हूँ। सिंपल सी चाट है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा बहुत दिन हो गया चाट नहीं बनाया, आप चाट बनाइए आज। अब ऐसे भी तबीयत खराब था तो ऐसे ही नॉर्मल खाना जैसा लगा वैसा बनाया, तो बच्चे आज बोल रहे हैं नहीं मम्मा आज चाट बनाओ। तो मैं बोली ठीक है चाट बना दे रही हूँ। तो आज चाट हमारे यहाँ बनने जा रहा है। तो और यहाँ पर मैं एक आलू और एक प्याज काट करके और डाल दी हूँ, और जो चना था वो डाल दी और थोड़ी सी उड़द दाल था वो डाल दिया। और बस डाल करके 3-4 सीटी इसमें लगा देंगे हल्दी मिर्च डाल करके। सिंपल सी चाट है। और यहाँ पर मेरा चाट बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये जो बच्चे चाट नहीं भी खाते होंगे उनको भी ये चाट पसंद आएगा। और वैसे भी लॉकडाउन है तो भाई कुछ ना कुछ तो घर में बनाते ही हैं, बाहर की चीज़ें तो आ नहीं रही है, तो घर में ही थोड़ी बहुत बनाओ और खाओ। एक्चुअली मैं इसमें चाट मसाला डालना ही भूल गई, मेन तो यही होता है। तो अभी मैं चाट मसाला इसमें डाल रही हूँ। अब ये डल गया, अब अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अब वाकई में ये एकदम ऐसे लगता है ना, एकदम सिंपल और खाने में इतना डिलीशियस होता है ना कि मार्केट वाला भी आप स्वाद भूल जाइएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग घर पे जरूर, बहुत मतलब यम्मी लगता है ये। और अभी यहाँ पर मैं सुबह का टाइम है और पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि भाई हर कोई बच्चे भी और हस्बैंड भी सब कोई डिमांड पे डिमांड कसे जा रहे हैं, बोले नहीं पकोड़े बनाओ पकोड़े बनाओ। क्योंकि यार बारिश जैसा मौसम कर रहा है और देखिए ना, कभी तो हल्का बादल आ जा रहा है और कभी बिल्कुल मतलब धूप निकल जा रहा है, एकदम चिलचिलाती हुई धूप। क्या करें, अब डिमांड हुआ है तो बनाना ही पड़ेगा। और अभी मैं बच्चों को नाश्ता देने जा रही हूँ, क्योंकि 1 क्लास तो लग चुका है और उसके बाद 15 मिनट के लिए इन लोगों को ब्रेक होता है, तो उसी में मैं नाश्ता दे रही हूँ, दोनों बच्चों को दे रही हूँ, दोनों को ही हुआ है। और सुबह में जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट नाश्ता ही अच्छा लगता है। I walk in shadows. No one ever sees me. I'm losing every battle. Can't somebody save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare at my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane? I just wanna know.
hear me, not even when I'm crying. I need someone to save me, save me. I never know which road I'm supposed to take. Every choice I make gives me headache. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane, insane? I just wanna know. अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में आया हूँ और ये मेरा प्यारा दोस्त बने खिला देगा है ना, बोल दे। एंजॉय किए तुम लोग पार्टी में? बहुत मजा आया है ना। क्या क्या खाए थे तुम लोग? बर्फी, समोसा, गोरेंग, फिर बहुत कुछ चीन, बिस्किट, टॉफीज, बड़ा मलाव। परम तो बहुत खुश होगा वहाँ है ना। लेट्स स्टडी। अगर हमने अगर मतलब से पहले पूछा ज्यादा पहले पूछे दिमाग से मैं सोचता हूँ। वाह हाँ हाँ पहली हाँ सुन ना रे हाँ घास खाए गाय खाए चारा पानी पिए मत जावला। घास खाए चारा नहीं गाय पिए मर जाए। गाय खाए चारा पानी पिए मर जाए। सही है। इसमें तो पता ही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसी कौन सी चीज है मतलब कि अगर बहुत अच्छा ये थॉट है, बहुत अच्छा थॉट है, पता है क्या ये ऐसी कौन सी चीज है मम्मा मतलब कि वो अगर हम बुढ़े हो जाएं, मतलब इतना सुंदर ब्यूटीफुल फेस है हमारा और वो तो फिर बुढ़ा हो जाता है ना, वो इंसान एजेड हो जाता है ना मम्मी, है ना मम्मी। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो सालों साल तक एकदम ब्यूटीफुल रहता है, मतलब पूरी हमारा हम पूरे बुढ़े हो जाए सब चीज हो जाए बट वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है। प्रकृति। रॉन्ग। वो ह्यूमन बॉडी के अंदर। मैं बताऊं मन। क्या मन? हमारा मन नहीं सबसे सुंदर। मैं बताऊं कैसे मन? मन तो बहुत टाइप के गंदे मन भी होते हैं। नहीं अपने ऊपर डिपेंड। मैं बताऊं? बताओ ना मम्मा, इधर आओ बताओ ना। नहीं मुझे तो नहीं आता। हमारी आत्मा ब्यूटीफुल तो या तो मन या मन और आत्मा एक। नहीं अपने आत्मा जो नहीं मन मतलब एकदम मन होता है मन। अरे मन और आत्मा एक ही होता है वो सबका सुनना खुशी दीदी का। नहीं मन का तो मतलब होता है मन ना, मन और सोल का मतलब तो होता है आत्मा। आत्मा मतलब जिसका दिमाग इतना तेज चलता है इसका दिमाग नहीं। ठीक है चलो आप कुछ इससे सर तुम लोग बूझ बूझ ना बूझो या जानो ना है? बुझो तो जान लूंगा। बुझो तो बुझो बुझो तो जान लूंगा। किसने नाम रखा सर खटिया वाहिया? बुझो तो जान। बुझो का मतलब क्या होता है? समझो सोचो सोचो समझो। बुझो का मतलब ही होता है सोचो और तब जानो सोचने के बाद जानो। सच्चा तो पहले पूछने वाले मैंने सोच ही बोला है क्या। ओके बाय। ओके के बाद बाय बोलते ना। ओके बाय। किसे वो दिन याद आ गया यहाँ वाला ये बेड का।
नंबर बड़े है ना तो पैसा बड़ा चल जाएगा। क्या था? हाँ तो आराम से रहो, इरिटेट करोगी मम्मा को तो क्या करेगी, नंबर तो पाओगे। इरिटेट मतलब किसी चीज को लेकर के आप इरिटेटिंग तो क्या होगा, पिटोगे तुम्हें। हर वक्त एक बार डॉक्टर को एक इंसान ने डिस्टर्ब किया था, मस्ती के समय मस्ती करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, दैट्स ऑल। रियलिटी में मम्मी आ गई तो चलो चलो पढ़ाई करो। इन लोगों की मस्ती तो भाई ऐसे ही चलती रहती है, इन लोगों का इतना क्वेश्चंस रहता है ना कि मत पूछिए। और वैसे भी मेरी वीडियो जो है वो डिले चल रही है, क्या करूं यार, तबीयत ही सही नहीं रह रहा है और शोल्डर में पेन हो रहा है और मतलब सर में भी दर्द हो रहा था, दो तीन दिन से तो बहुत ही मतलब मेरा तबीयत खराब चल रहा है। और अभी दवा ले रही हूँ तो ठीक रह रहा है, फिर वही मतलब दर्द वैसे ही रह रहा है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा, और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय। I sit in silence, nobody can hear me, not even when I'm crying.